नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज प्रेम नगरी कहे जाने वाले आगरा के एक हॉस्पिटल से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसने फिर से एक बार देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार किया है। इससे पहले हम आपको वायरल वीडियो दिखाए, इस मामले के बारे में थोड़ी बहुत जरूरी जानकारी दे देते हैं। दरअसल जिन वीडियोस के वायरल होने से हंगामा मचा हुआ है वो आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल से है। वीडियोस में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट के दौरान हुए मॉक ड्रिल से 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों की मौतें होने की बात कही जा रही है। ये पूरी बातचीत 26-27 अप्रैल की बताई जा रही है। जिन दिनों देश में ऑक्सीजन संकट गहरा गया था, वीडियो से पता चल रहा है कि श्री पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे की गई। उस समय अस्पताल में 96 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें से केवल 74 मरीज जिंदा बचे और बाकियों की जान चली गई। अब इन वीडियो के वायरल होने के बाद ऑक्सीजन संकट के दौर में प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही चर्चा में है। फिलहाल DM प्रभु नारायण सिंह वायरल वीडियो के जांच की बात कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में DM का कहना है कि 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में कोरोना के 97 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 4 की मौत हुई थी, इसलिए वायरल वीडियो सच नहीं लगता। मगर फिर भी इस वीडियो की जांच कराई जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर ये वीडियो सच साबित होता है जैसा कि इन्हें देखने पर लग रहा है, तो इससे शर्मनाक हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या है इन वायरल वीडियो में, आप एक बार खुद देखिए। टेलर का फोन आया, उसका संभल भी कहा होगा सर, लेते रहा हम इंदिरा मिल गया, अपना सप्लायर आगरा का सबसे बड़ा सप्लायर है, तुरंत आया। हमने बोले क्या हो गया, अरे नहीं बस कदल की रात है, कोई कांड हो गया ऑक्सीजन का, मन तो लगा नहीं, जैसे तैसे राउंड अपना खेचा, फिर उससे मिले। 12 बजे उसने कह दिया कि सर बस सुबह तक का माल है, मोदी नगर ट्राई हो गया, गाजियाबाद ट्राई हो गया, दिल्ली से गाड़ी आ नहीं रही, माल नहीं आ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, मजाक ची कर रहे हैं, लोग से नहीं मिलेंगे क्या ना, नहीं तो क्या हुआ, मीडियम साहब नहीं देंगे आने देंगे पैसा, हमें तो कोई समाधान नहीं है, नहीं कोई समाधान नहीं है, हम तो उसकी बात तो हल्के में कैसी बात कर रहे हैं, मना कर रहा है, लोग से नहीं मिलेगी, वो ऐसे बैठा मसाला तो नहीं मिली, हमें तो कह आधा घंटा तो स्वीकार करने में लग गया, ऐसी घटना भी होगी आगरा में कल, बस फिर हम लोग अब मरीज भर्ती थे 96 मरीज थे यहाँ पे, पूरे मर गए, ये तो कल सफाई हो गई सब, अच्छा नॉन कोविड कोविड और कोविड सब, अच्छा अब 96 मरीज भर्ती, और भैया 12 घंटे का समय, या तो जैसे मर जाएंगे क्या निर्णय पर कर दो, दिमाग बिल्कुल खत्म, क्या करना है, रास्ता लिखेंगे। फिर हर मार्ट में फोन किया, पहले पूरा रोड निकाला, 1 घंटे तक फोनबाजी चली, इन दौड़ गई हम कि कैसे बचे मरीज, मैंने चलो फिर सोचा, फिर एक पत्र लिखा 1 बजे से पहले, पत्र DM साहब को ना, मरीजों के संबोधन, अच्छा मरीजों के संबोधन, ये घटना ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें, सुबह 10 बजे तक का समय है, तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर राजजीत को इकट्ठा करके चस्पा करा दिया, वायरल हो जाएगा, सही है, हाथ में पकड़ लो फोटो खींचे, मैं सबको पढ़ा दिया वार्ड रूम ने, 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल, पब्लिक इकट्ठी होगी बात, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरी के अफरा तफरी, जीवन ज्योति में तो घूम मार पीट हुई है, हमने अब एक घटना कुछ नहीं, घटना कुछ नहीं, अफरा तफरी मच गई, फिर हम बाहर रिसेप्शन पे आए, कई लोग खड़े थे लॉबी में, उनको समझाया कि वो ये सिचुएशन आ रही है, अरे साहब हम तो मरे जिये जाएंगे कहा, बेड तो कू है ना और ऑक्सीजन को है ना, जब जाना मिल रही तो कहूँ नहीं मत जाएंगे, सबने मना कर दिया, एकदम ध्वनि मत से हम कहीं नहीं जाएंगे, 3 बजे फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए, हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं, अब लिखा जाएगा पारस में हुई 96 मौत है, मौत का मंजर देखने को मिलेगा, अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म, और 304 लिखवाएंगे, पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी, अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की, क्या करते हैं,
सर तो डिप्रेशन में आप तो था। फिर हमने ऑक्शन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी, माई जागी वेंडर संभवी वेंडर इज रिफ्यूज टू गिव फर्दर ऑक्सीजन सिंस मॉर्निंग प्लीज हेल्प। कुछ लोगों की रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग, फाइव सिलेंडर हमें, फाइव सिलेंडर से क्या होगा भाई, जाएंगे इसी दिन कॉन्ट्रेक्ट जारी है। मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंडर बुलाया यार कम से बुलाया, अभी तो शाम तक तो कम से भी आ जाएगा, गोपाल गोपाल जहां से मिले मिला लो यार, कम तो होगा, कितने पैसे चाहिए, सोने के भाव बोल दो यार, जे बचे शान में जिंदगी बचे कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो, सोने के भाव में लीजिए जी बोल रहे, सोने का भाव लगा लो, टैंकर बुलाओ ऑक्सीजन का खड़ा करो, तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें, बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दू सिचुएशन, मोदीनगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए, हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात, कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोटे नाम मत लगाओ छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है, एक ट्रायल मार दो फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, सही बात है सही बात है, फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे मॉक ड्रिल हुई सब दो से बंद, ये किसी पता नहीं ये मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबके, छठ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए गए, 22 मरीज छठ गए और 22 जे मरेंगे, और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा, 5 मिनट के, 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, छपड़ा गए नीले पड़ने लगे, ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छठ गए, चलो जे बचे 74 बचे, सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा, फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा, सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी, इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे, इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे, इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे, जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया, बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज हैं हमारे यहाँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से, जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पर डिपेंडेंट थे वहाँ उनको भर दिया गया, और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर्स की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर UP गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे 2 टैंक आए थे, चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था उसको खत्म करने में 48 घंटे लगे थे, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था, फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसवे चलने लगे, इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली, धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं, 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है, अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे, अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ ही कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा।